ने गुजरात के जूनागढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वो कांग्रेस को चुनौती देते हैं कि वो अनुच्छेद 370 वापस नहीं ला सकते या सीए नहीं हटा सकते। मोदी ने कहा कि उन्होंने तीन तलाक पर कानूनी रूप से प्रतिबंध लगाया है ताकि देश की मुस्लिम बेटियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले। मोदी ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस के युवराज को चुनौती दी कि अगर उनमें हिम्मत है तो खुलकर कहें कि तीन तलाक फिर से लाएंगे। अगर सरदार पटेल होते तो देश का संविधान जम्मू कश्मीर में भी शान से लगा होता, लेकिन जो काम सरदार साहब का अधूरा रह गया, ये धरती का संतान, आपका संतान, ये सेवक उसे पूरा कर पाया। 370 गए, 370 को जमीन में गाड़ चुका हूं और मैं कांग्रेस के शाही परिवार को, कांग्रेस के शहजादे को खुली चेतावनी देता हूं, अगर उनके हिडन एजेंडा है तो हिम्मत के साथ देश के सामने आके कहे कि वो धारा 370 फिर से लागू करेंगे। मैं देखता हूं बाबा साहब आंबेडकर का अपमान करने की उनमें कितनी ताकत है। मैंने तीन तलाक कानूनी रूप से उस पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि मेरे देश की मुसलमान बेटियों को सम्मान से जीने का हक मिले। कोई सरफरा तीन बार तलाक बोल दे और उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाए, और सिर्फ बच्ची की नहीं, उसके मां बाप भाई बहन जिन्होंने उसको शादी करके ससुराल भेजा था, जब बेटी वापस लौटेगी तो उस परिवार का क्या होगा। मैं उन सब की रक्षा करना चाहता था और इसे मैंने तीन तलाक पर रोक लगाने का कानून बना दिया। मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, शहजादे को चुनौती देता हूं, हिम्मत है तो खुल करके कहिए कि दोबारा तीन तलाक की मुक्ति दे देंगे और वोट के लिए तीन तलाक अलाउ कर देंगे। नेशनल